सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। देश भर च मनाया जा रहा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश गुरपुरब। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरबत के भले लिए की अरदास। कोरोना वायरस के वाधे मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली च एक हफ्ते लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना के वाधे प्रकोप दरमियान राजधानी दिल्ली के बत्रा हस्पताल च 12 मरीजों की मौत, मृतकों च एक डॉक्टर भी शामिल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड 19 दीआं रोकां दे मद्देनज़र पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब के पवित्र मौके ते चढ़दी कला ते सरबत दे भले लई कीर्ती अरदास विच लोकां नाल वर्चुअल तौर उत्ते शामिल होए। महामारी दे चुनौतीपूर्ण हालात विच मनुखता दी सुरक्षा ते भलाई लई अरदास करदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकां नूं खुद गुरु साहब जी वल्लों प्यार, धर्म निरपक्षता, धार्मिक सहनशीलता, धर्म मनण की आजादी और शांतमई सह होने दिते सर्वव्यापी संदेश को अपनाने की अपील की। इस पावन दिहाड़े को मानवता और धार्मिक आजादी की खातर गुरु साहब की लासानी कुरबानी के संदेश के प्रसार लई मौका करार देंदे हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नवें गुरु साहब जी ने जीवन की फिलोसफी और समुचे संसार लई प्रेरणा का स्रोत रहे ने। मुख्यमंत्री ने अगे कहा कि सूबा सरकार ने नवें पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े को धूमधाम नाल मनाने लई पुख्ता प्रबंध किए सन। परम सत्कारयोग सात संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिस दिन नूं बड़ी शान और शौकत नाल सन मनाउणा चाहुंदा सी, असीं अज अपने अपने घरां दे विच अरदास कर रहे हां सरबत दे भले लई। इह हालात ही कुछ साडे पूरे दुनिया दे विच, देश दे विच, पंजाब दे विच होणा ही सी। तो पंजाब पासे नहीं रह सकता ये गलत, जो हिंदुस्तान भरिया पाया है और साढ़े आ जी महामारी ने सानू आ करवा दिता। फिर भी असी सारे समझते हैं कि जिथे भी असी बैठे हैं असी पंजाब के भले लई, सरबत के भले लई आप अरदास करिए और वाहिगुरु करे समय बदलूगा, हालात सुधरणगे, महाराज की कृपा होगी और फिर असी ये साल चलना है हले अपना और इस साल के बड़ी धूमधाम नवे पातशाह की याद करके दिहाड़ा मनावे। खुशकिस्मती साड़ी मेरी एक गल की है कि पिछली सरकार वेले भी चन्नी साहब ने कुछ थोड़ा बहुत दसिया साढ़े तो आए थे कि 10वें पातशाह का 350 साल असी मनाया से। फिर असी गुरु ग्रंथ साहब का 400 साल मनाया से। फिर असी यादगारा बनाईया, गेट बनाए फतेहगढ़ साहब के, 40 मुक्तियां की यादगार बनाई, चमकौर साहब की शुरू की थी असी यादगार जी, हूँ चन्नी साहब इस पूरा कर रहे हैं। तो ऐतकी भी पहले पातशाह का 500 साल प्रकाश पुरब बनाया और अच्छ 400 साल ये किस्मत साड़ी है कुछ ऐसी, वाहगुरू की देन है कि साढ़े तो सानू मौका दिता है कि खुशियां मना। महाराज का इतिहास केड़ा नहीं जानता, केड़ा नहीं जानता कि किस किस्म की उन्होंने सोच सी। पहले पातशाह तो शुरू हुई यही सोच साड़ी, ये भुला ना पा कि जब महाराज सुल्तानपुर के पानी अपने तपस्या लाई हुई सी नदी के जब निकले की क्या से उन्होंने, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सारे रब के बंदे। ये है एक सैक्युलरिज्म की निशानी जिहड़ी अज हुकमराना नूं देखनी चाहिए कि क्या से और की साडे नौवें पातशाह ने कश्मीरी पंडितों वास्ते अपने जाके शहादत दी। ये सारी एक सैकुलरिज्म की निशानी पर अच्छ लोग भुट जाते हैं इस गल, ये अफसोस है मैं
कि जैसे महान शख्सियत ने महान गुरुआ ने इन्ना कुछ दसिया सन वो सब कुछ आप पिछे छड़ दिए और जिते तरीके चलते चाहते ये मुल्क साडा चाहे साडा संविधान कहे एक सैकुलर डेमोक्रेसी है। सैकुलर डेमोक्रेसी का मतलब कि कोई भी धर्म के बंदे हो इस मुल्क ने मशीन और यही तरीका है सैकुलर का जो सा गुरुआ ने दसिया 500 साल तक पहले पातशाही हो गए 400 साल हूँ अपने नौवें पातशाह के होते हैं और ये जेडे सारिया सानू सारे आप मना दिन इतने भी जेडे बंदे सैकुलरिज्म नहीं मानते वो भी उत्थे जाके मनाते हैं सब दिखावा। अगर तुम आप देश सीखो इन्हों तो दो इन्हों तो देश और असली अपने मन के वसाओ फिर ये मुल्क एक होर किस्म का मुल्क बन सकता जिते सही तौर पर हर मजहब के लोग अपने आप को इस घर समझ और प्यार इतने रह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश गुरपुरब के जश्न में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई विकास प्रोजेक्टों लोगों को समर्पित किया जिन्हां विच बसी पठाना की पुरानी जेल का विकास और संभाल किए जाना शामिल है। इस जेल में नौवें पातशाह उन्होंने साथियों समेत नूर मुहम्मद खान मिर्जा ने 40 दिन तक उदों नज़रबंद रखे से जदों बादशाह औरंगजेब को मिलने जा रहे सन। मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया कि श्री गुरु तेग बहादुर अजायब घर आनंदपुर साहब का 2 करोड़ रुपए की लागत नाल नवीनीकरण होगा। इस अजायब घर की देख नूं नवा रूप देण दे नाल आधुनिक तकनोलॉजी दे नाल पहली मंजिल का नवीनीकरण होगा जदों के हेठली मंजिल उत्ते तस्वीरों की प्रदर्शनी का असल रूप में बरकरार रखा जाएगा। यह अजायब घर 1977 तख्त श्री केसगढ़ साहब के नेड़े बनाया गया सी। पंजाब विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल संबंधित एक अजायब घर है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश गुरपुरब गुरु साहब जी के प्रकाश स्थान गुरद्वारा गुरु के महल विखे संगतों वालों बड़े ही श्रद्धा और उत्साह मनाया गया। इस मौके लॉकडाउन होने के बावजूद वड्डी गिणती में संगतां हाजरियां भर पहुंचियां और संगतां ने गुरद्वारा गुरु के महल विखे मत्था टेकिया। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश गुरपुरब शताब्दी समागम मौके गुरु के महल विखे करवाए गए समागम में हिस्सा लैण मगरों पत्रकारों नाल गलबात की। इस मौके उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के प्रकाश पुरब मौके संगतों को बधाई दी है कहा कि गुरु घर में मत्था टेक के गुरु घर का आशीर्वाद ले रही ने। अज श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के 400 साल प्रकाश पुरब दियाँ समुचे सिख जगत में बहुत बहुत बधाई। श्री अकाल तख्त साहब वालों तख्त श्री केसगढ़ साहब तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के सिंह साहब खड़ोते ने साढ़े सारे वालों ही प्रकाश पुरब दियाँ धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के प्रकाश पुरब दियाँ बहुत 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 समुचे सिख जगत को बधाई। देखो संगतां के मन के गुरु का प्यार है तो बाणी का फरमान है कि चक्कर झागी मीह वरसा भी गुर देखण जाए। चक्कर आ जाए हनेरी आ जाए जिन्हां संगतां के मन के गुरु का प्यार है उन्होंने गुरु के दर्शन दीदार करन जाना ही जाना। कोई रोक नहीं सकता ना हनेरी नूं रोक सकती है ना चक्कर रोक सकता। इतों तक महाराज कहिंदे पाला कक्कर बर्फ वरस है पाला पैन लग जाए कक्कर पैन लग जाए बर्फ वरस वरसन लग जाए गुरसिख लंघ गुर पह जाए गुरु का सिख लंघ के गुरु के कोल जांदा ही जांदा है। ये सिख संगतां का गुरु प्रति प्यार है। नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश दिहाड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध अधीन गुरद्वारा में संगतां ने कोविड हदायतों अनुसार गुरु घर नतमस्तक होकर श्रद्धा भावना से उत्साह मनाया। गुरद्वारा श्री गुरु दुख निवारण साहब गुरद्वारा श्री मोती बाग साहब गुरद्वारा बहादुरगढ़ गुरद्वारा करहाली साहब और गुरद्वारा बाबा अजापाल विखे गुरु साहब के प्रकाश दिहाड़े को समर्पित रखे गए श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। कोविड-19 के मद्देनज़र जारी गाइडलाइन अनुसार धार्मिक समागम भी गुरद्वारा साहब विखे ही किए गए। प्रकाश पर्व में समर्पित गुरद्वारा श्री मोती बाग साहब विखे हैड ग्रंथी भाई प्रणाम सिंह ने मानवता के कल्याण की अरदास की। रायकोट के कस्बा सुधार विखे स्थित इतिहासिक गुरद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाही छेवीं में श्रोमणी कमेटी और संगतों वालों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश दिहाड़ा धार्मिक श्रद्धा भावना से उत्साह मनाया गया। इस मौके करवाए विशाल धार्मिक समागम दौरान कथावाचक भाई दर्शन सिंह लम्मे जटपुरा वाले ने संगतों को गुरबाणी दी कथा विचार राही गुरु चरणों नाल जुड़िया। उत्थे ही कीर्तनियां ने गुरबाणी के रसवे ने कीर्तन राही संगतों को निहाल किया। कोरोना वायरस के वधे मामले में देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन 1 हफ्ते लिए होर बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है।
उन्हें कहा कि दिल्ली च लॉकडाउन एक हफ्ते लिए वधाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली च 3 मई तक सवेरे 5 बजे तक लॉकडाउन सी। कोरोना के वधे प्रकोप दरमियान राजधानी दिल्ली के बत्रा हस्पताल में अज 12 मरीजों की मौत हो गई, जिन्हां च एक डॉक्टर भी शामिल है। हस्पताल के एक अधिकारी ने दसा कि 5 होर मरीजों की हालत गंभीर है। डॉक्टर SCL गुप्ता ने कहा कि 5 होर मरीजों को बचाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी के वख-वख हस्पतालों ने पिछले हफ्ते संकटकालीन संदेश जारी करके ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने की कगार उत्ते दी गल कही सी। दिल्ली की सरकार भी लगातार कह रही है कि उसनू उसके हिस्से की ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सूबे च ऑक्सीजन की भारी घाट है। हर हस्पताल विचों SOS के संदेश आ रहे हैं। असी कोर्ट नाल गल कर चुके हैं। कोरोना महामारी के वधे प्रकोप दरमियान पंजाब सरकार ने नवी गाइडलाइनस जारी की ने जो 15 मई तक जारी रहनगिया। अज जारी की गई गाइडलाइनस मुताबिक करफ्यू शाम 6 बजे तो ही लगेगा। इस दे नाल ही वीकेंड करफ्यू शनिवार सवेरे 5 बजे तो लेकर सोमवार सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस टैक्सी ऑटो च 50% सहूलत नाल यात्री सफर कर सकते हैं। सारे बार सिनेमा हाल जिम स्विमिंग पूल कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट्स कंपलैक्स बंद रहेंगे। होम डिलीवरी रात 9 बजे तक की जा सकती है। हालांकि होर लोड़ीदियां सेवावां करफ्यू तो बाहर रखे गए। इस दे नाल ही 20 तो ज़्यादा लोगों का इकट्ठ नहीं किया जा सकता। ब्याह समागम ज अंतिम संस्कार वेले 20 लोगों का इकट्ठ करने वेले DC की इजाजत लेनी पवेगी। सारे विद्यक अदारे बंद रहेंगे पर सरकारी स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी भरनगे। उधर 1 मई तो देश भर में 18 साल तो वध उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। उत्थे पंजाब में अजे कोरोना वैक्सीन की कमी करके 18 साल तो वध उम्र के लोगों कोविड वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगी। अमृतसर की गल करिए इतने महज 600 डोज ही बाकी बची है। हालांकि डॉक्टरों ने वैक्सीन की घाट होने तो इनकार किया है। कोरोना महामारी उत्ते लगाम कसण लई पंजाब सरकार वालों वीकेंड करफ्यू का ऐलान किया होया, जिस दे चलदे हुशियारपुर शहर च पुलिस वालों वख-वख चौंकां च सख्त नाकाबंदी करके सड़कों उत्ते बेवजह घूम रहे लोगों के चलान कट्टे जा रहे हैं। तो इस तों इलावा पुलिस वालों सेहत महकमे की टीम की मदद नाल बेवजह घूम रहे लोगों के कोविड टैसट भी करवाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार वालों कोरोना महामारी नाल निजठण लई वीकेंड लॉकडाउन लाउण दा ऐलान किया गया सी, जिस तहत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अपने शहर पटियाला च सन्नाटा छाया रहा। पटियाला दे सारे बाजार बिल्कुल सुनसान नज़र आए। पटियाला तो चढ़दी कला टाइम TV दे रिपोर्टर अमरजीत सिंह ने ग्राउंड जीरो उत्ते पहुँच के बाजारां दी स्थिति दा जायजा लिया। जिस तरह कोरोना महामारी के केस लगातार वधदे जा रहे सी, जिसनूं लैके मौतां दा अंकड़ा भी जिहड़ा लगातार पंजाब दे विच वधदा जा रहा है। जेकर कोरोना महामारी की गल की जाए तो कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों जिहड़ा शनि ते ऐतवार जिहड़ा मुकम्मल जिहड़ा बंद करन दा ऐलान करता गया सी। जानि कि अज शनिवार है, अज ते कल जिहड़ा बिल्कुल सारा जिहड़ा है मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ एमरजेंसी सेवावां जिहड़ियां खुल्लियां रहणगियां। जिस तरह मैडिकल की गल की जाए, दुध की गल की जाए अते सब्जियां की गल की जाए, उह जिहड़ियां ने बिल्कुल खुल्लियां रहणगियां। सो असी अज पटियाला दे विच मौजूद हाँ, तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए। बिल्कुल जिहड़ा बंद आ असर जिहड़ा देखण नूं मिल रहा है। सो सारी मार्केट जिहड़ी बिल्कुल बंद है। सो लगातार आपां कह जा सकदा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों आदेश होए सन कि सारा जिहड़ा मुकम्मल जिहड़ा लॉकडाउन रहेगा, पर जिहड़ा 2 दिन का दिन है शनि ते ऐतवार का दिन बिल्कुल सारा बंद रहेगा। सो असी पटियाला दे विच धर्मपुरा बाज़ार किला चौंक दे विच मौजूद हाँ, जिथे कि सारी जिहड़ी मार्केट है वह बंद नज़र आ रही है। तस्वीरां दे विच साफ नज़र आ रहा है भी कोई भी जिहड़ा दुकान जिहड़ी है बिल्कुल नहीं खुली। सिर्फ एमरजेंसी सेवावां की गल की जाए, डॉक्टरों की गल की जाए, मैडिकल की गल की जाए, वो जिहड़ियां सेवावां बिल्कुल खुल्लियां रहणगियां। जेकर दुध की गल की जाए वह भी जिहड़ी है घर घर सप्लाई होवेगी, सब्जियां जिहड़ी है घर घर सप्लाई होवेगी। इस तों इलावा भी जिहड़ा फूड की गल की जाए सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी जिहड़ी है की जाएगी। तो तुसीं देख रहे हो ऑनलाइन डिलीवरी जिहड़ी लगातार जारी है, क्योंकि जिहड़े ऑनलाइन डिलीवर ने आपां कह सकते हैं वह घर घर जाके जिहड़ा समान पहुँचा रहे हैं। सो तुसीं देख रहे हो किस तरह जिहड़ा ऑनलाइन जिहड़ी Zomato दी आपां कह सकते हैं जां होर जिहड़ी कंपनियां ने उन्हां वल्लों भी जिहड़ा घर घर जिहड़ी डिलीवरी जिहड़ी आ कीती जा रही है। कोरोना महामारी की चेन तोड़न वास्ते पंजाब सरकार वल्लों लगाए गए शनिवार ऐतवार के लॉकडाउन का हल्का डेरा बसी विच पूर्ण असर वेखण नूं मिलिया। तकरीबन सारे शहर दीआं दुकानां ते वपारक अदारे बंद रहे। लॉकडाउन की पालना करवाउण लई पुलिस वल्लों चप्पे चप्पे उत्ते नाकाबंदी की गई अते बिना किसी कामकाज तो घरों निकलण वाले लोगों के चलान किए गए। नूरपुर बेदी विखे मजदूर किसान एकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के मंच उत्ते संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आगू रुद्दू सिंह मानसा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और होर किसान आगुओं ने शिरकत की। इस मौके किसान आगू गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार उत्ते तिखा निशाना साध्या।
उन्हें कहा कि किसान खेती कानूनों खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे। देखो मोदी जिहड़ा है कारपोरेट का एजेंट के रूप से काम कर रहे हैं, कारपोरेट के कलर्क के रूप से काम कर रहे हैं। जिन्हें देश के विच कानून बन रहे हैं ये सारे कारपोरेट वास्ते बन रहे हैं। जिहड़े हुण एक कानून तीन कानून ये भी बनाए ने, ये भी कारपोरेट वास्ते बनाए ने, ना कि किसानों वास्ते। इन्हां नूं एग्रो बिजनेस कानून ने, एग्रीकल्चर कानून नहीं। मजदूर का मैटर है। ये जिहड़ी सरकार है ये एक तरह तो हर धर्मी ते अड़ गई है। मतलब इन्हां ये नहीं रहा कि भी जिवें लोकतंत्र हुंदा जनता जो मंगदी है वह दे दिओ, या जनता की जे अंदोलन चंगा चलिया तो उहदी गल मन लईए। यह हठ धर्मी सरकार है, ये कारपोरेट के वास्ते अड़ी हुई है कि भी असी देश नूं बेचना ही बेचना है। उन्होंने सख्त फैसले ले जा सकते हैं जेकर नहीं मानते हैं, जां गलबात लई दुआरा नहीं मनांदे तां केंद्र सरकार खिलाफ कोई सख्त ऐलान किया जा सकता। देखो अज दे टाइम ते करोना आ गया, एक दुहाई देश दे विच पै गई है। हुण जे असी कोई सख्त कदम चक्कांगे ते सरकार सानूं बदनाम करेगी भी ये करोना फैला रहे जिवें तबलीकियां किया। इस डर दे मारे हुण असी जो सख्त फैसला वह बहुत छेती शायद ना लै सकी, पर आखिरकार सरकार ये तो क्लीयर है कि बहन नाल सरकार नहीं मनती, करना कुछ ना कुछ पेगा मनेगी तो ये क्लीयर है। सब डिवीजन अमलोह विच बतौर CDPO अपन सेवावां निभा रही मैडम अंजू सूद की रिटायरमेंट उत्ते उन्होंने विभाग के मुलाजमान ने विदायगी पार्टी दी। इस मौके कोरोना संबंधी सरकार दी हदायतों नूं ध्यान विच रखते हुए छोटी जिही पार्टी रखी गई, जिस विच उन्हां नूं सन्मानित करन लई पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, हलका अमलोह दे MLA रणदीप सिंह दे निजी सकत्तर रामकृष्ण भल्ला ते जिला प्रोग्राम अफसर गुरमीत सिंह ने विशेष तौर उत्ते शिरकत की। CDPO मंजू सूद नूं रिटायरमेंट ते निघी विदायगी मौके कैबिनेट मंत्री धर्मसोत ने उन्हां दी शलाघा की है। अज बहुत ही खुशी का दिहाड़ा है। बीबा मंजू सूद जी जिहड़े बतौर CDPO जिन्हां रिटायरमेंट लई है, और भूषण सूद जी उन्हां दे पति ने, बच्चे परिवार खड़िया होया है, और मैं समझदा कि बहुत खुशी लई परमात्मा दी मेहर भरिया हथ होवे तां जिहड़ी नौकरी करदे आ कोई बंदे तों कई वारी कोई गलती हो जांदी है, कोई रिटायरमेंट के नेड़े आ गई इल्जाम लग जाता है, उस नूं देखते हुए मैं सारे परिवार नूं भैण मंजू सूद नूं बधाई देनी चाहुंदा कि ऐन बतौर तुसी CDPO जिवें कहिंदे चिट्टी चादर परमात्मा रख के रिटायरमेंट लई है, और इस गल की मैं बधाई देनी चाहुंदा। परमात्मा करे अगर जी थोड़ी जो जिंदगी है खुशियां भरी होवे और तुसी चढ़दी कला च रहो, यही मेरी बेनती है। अज मैं एज ए CDPO रिटायर्ड हो रही हैं। मेरे स्टाफ ने अज मैनू बहुत ही निघी वधाई पार्टी दिती है, इस दे लई मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। तो ये भी कहनी कि जो भी इन्हों मेरे तक कोई भी किसी तरह की जरूरत हो तो मैं इन्होंने लिए जरूर हाजिर होवांगी। सब का तय दिलो धन्यवाद है, थैंक यू जी। अज CDPO मंजू सूद जी रिटायर हो रहे हैं, इन्हों की बधाईगी समाजिक सुरक्षा इसी के बाल विकास विभाग बधाई दिंदा है। तो इन्हों वालों जो सेवावान निभाई गई ने वो विभाग हमेशा ऋणी रहेगा इन्हों तो, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने सेवावान दिखाई गई ने इन्हों वालों। तो मैं पूरे परिवार को बधाई दिना, इन्हों जीवन साथी श्री भूषण सूद जी, इन्होंने पूरा संपूर्ण साथ दिता इन्हें मैडम का, तो इन्हों जो शुभकामना दें भविख में इन्हों का परिवार सुख शांति चढ़ती कला च रहे। मैडम की शलाघा करनी बनती है हरेक पक्षों, किसी भी इन्होंने जोड़ा काम दिता गया जो बाखूबी निभाया इन्होंने वालों, तो हरेक परिवारिक तौर पर समाजिक तौर पर
विभागी तौर पर इन्हों वालों बाखूबी अच्छिया सेवावान नवाईया गई ने। तो दूजा शलाघा जो कदम इन्होंने रखे है भी जो विधायकी पार्टी रखी है बड़े कोविड के हदायतों ध्यान में रख के इन्होंने पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, मास्क पहना गया, सब कुछ अच्छी तरह कवर किया। तो प्यार देखने को मिले सारे आंगनवाड़ी वर्कर वालों सुपरवाइजर वालों। मैं फिर तो इन्हों शुभकामना दें इन्होंने परिवार को, तो इन्हों अगे तो सुख शांति रहन, परिवार चढ़ती कला च रहे जी। धन्यवाद जी। विधानसभा हलका पट्टी दीन पेंदे पिंड शहीद विखे 2000 रुपए लैके एक दोस्त ने ही अपने दोस्त का कतल कर दिता। इस संबंधी जानकारी देते हुए फतेह सिंह ने दसा कि उसका भरा सुखविंदर सिंह जो कि रात को घरों किसी काम लिए बाहर गया सी, तां उसका दोस्त मनदीप सिंह जो कि सुखविंदर सिंह तो 2000 रुपए की मांग कर रहा सी। सुखविंदर सिंह ने उसनू पैसे देने तो इनकार किया तो मनदीप सिंह ने उस तो पैसे खोण की कोशिश की। इस गल नू लैके दोवां विच तकरार हो गया। मनदीप सिंह ने उसके सिर विच दातर मार के गंभीर रूप में जख्मी कर दिता। जख्मी सुखविंदर सिंह नू पिंड के छप्पड़ विच सुटाया जिथे उसकी मौत हो गई। उधर पुलिस ने मामले की तफतीश शुरू कर दी है। पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखा पटियाला विखे जोनल मैनेजर सतवीर सिंह की अगवाई में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। पटियाला की माल रोड स्थित बैंक की शाखा विखे लगाए गए इस वैक्सीनेशन कैंप दौरान 70 के करीब शहर दी वख-वख शाखावां तों आए बैंक कर्मचारियों तो उन्होंने परिवारक मैंबरों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस मौके बैंक के जोनल मैनेजर सतवीर सिंह ने दसिया कि इस वैक्सीनेशन कैंप दौरान समूह स्टाफ ने पूर्ण सहयोग दिता। इस कैंप का बरनाला, संगरूर और पटियाला के बैंक कर्मचारी ने लाभ लिया। जोनल मैनेजर ने होरनां नूं भी कोविड वैक्सीन लगाउण दी अपील की है। ब्रांड फाइनेंसिंग 2021 की रिपोर्ट में LIC की रैंकिंग होर मजबूत हुई है। 2020 इंश्योरेंस ब्रांड में 13वें नंबर पर सी जदों कि 2021 की रिपोर्ट में 10वें नंबर उत्ते आ गई है। चीन की पिंग एन पहले नंबर उत्ते बनी हुई है। दस दिए कि कोरोना कारण दुनिया भर दी बीमा कंपनियों का वैल्यूएशन घटिया है। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम TV के नाल। धन्यवाद।